हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सकेगी और साथ में अपने इस चैनल को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत इस किताब की समरी देख रहे हैं, जिसे लिखा है पूनम दलाल दहिया मैडम ने। यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का 10वां पार्ट, जिसमें हम आज उत्खनन स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ उत्खनन स्थलों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज भी हम अमरी, रोपर, सरकोटदा, राखीगढ़ी, ढोलावीरा, इन सब के बारे में जानकारी जो है हासिल करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो उत्खनन स्थल हम देखने वाले हैं वो है अमरी। तो चलो सबसे पहले उसके मैप पर लोकेशन देख लेते हैं। अमरी ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये पाकिस्तान में यहाँ पर स्थित है। ये सिंध का एरिया है सारा। तो चन्नूधरों के पास में ही, उसके थोड़े पूर्व की साइड में अमरी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे है अमरी। इसके अलावा बाकी कुछ साइट के भी यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा देखो यहाँ पे, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, चन्नूधरों के पास में अमरी है, ठीक है। इधर गुजरात में रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटदा, ढोलावीरा। इधर ऊपर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर आपको कालीबंगन दिखेगा, बनावली, राखीगढ़ी, रोपर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हरप्पन सभ्यता के, वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अमरी के बारे में, जो सिंध प्रांत में आता है पाकिस्तान के। अमरी ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 1955 में फजल अहमद द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की गई थी। हड़प्पा पूर्व और उत्तर हड़प्पा, ठीक है, इन दोनों की संस्कृति के बीच परिवर्तनशील ऐसी संस्कृति यहाँ पे अमरी में हमें उत्खनन में दिखाई पड़ती है। अमरी इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें वास्तविक गेंडे के अवशेष भी मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमें उत्तर हड़प्पा काल में झांगर संस्कृति के चिन्ह और अग्निवेदियाँ भी यहाँ पे अमरी इस आर्कियोलॉजिकल साइट में यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर आप गूगल पर भी देख सकते हो अमरी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। ये देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे दिए हैं इस आर्कियोलॉजिकल साइट्स के। इसके साथ में आपको विकिपीडिया पे इसके बारे में डिटेल में और जानकारी भी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमरी जो है आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट है, कहाँ पे आता है तो सिंध में आता है। और इसकी जो एज दी है वो दिया है 3600 BC, बिफोर क्रिश्चियन ईरा जो है उसकी एज जो है वो दी गई है, ठीक है। ये साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो के दक्षिण भाग में स्थित है। और इसका जो ये है हैदराबाद, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है, उससे उत्तर की दिशा में 100 किलोमीटर के आसपास ये अमरी जो है ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अमरी के बारे में यहाँ पे देखा है। अमरी के बाद जिस आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है रोपड़, ठीक है। रोपड़ को सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर के साइड में पंजाब जो प्रांत है हमारा, तो इस पंजाब में आपको रोपड़ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हड़प्पा के पूर्व दिशा में ये रोपड़ जो बस्ती है, ये नगरी थी, ये स्थित है। इसके आजू बाजू में आपको नीचे राखीगढ़ी भी दिखाई देती है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये पंजाब में स्थित है। तो जैसे कि हमने मैप पर देखा, ये जो रोपड़ है ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है रोपड़, ये सतलुज नदी के किनारे पर बसी हुई थी। 1955 में YD शर्मा इस आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल साइट की जो है वो खोज की गई। रोपड़ इस आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें यहाँ पे उत्खनन में कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है। कब्रिस्तान के अवशेष जो है वो मिले हैं, कुछ मोहर जो है वो भी मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के हैं। रोपड़ की अगर हम विशेषता देखें तो यहाँ की जो इमारतें हैं वो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी, ठीक है। ज़्यादातर इमारतें यहाँ पर पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी रोपड़ में। उसके साथ ही रोपड़ में हमें कुत्ते को मानव के नीचे दफनाने के प्रमाण यहाँ पे इस आर्कियोलॉजिकल साइट में मिले हैं। तो रोपड़ को हम यहाँ पे गूगल पे भी, विकिपीडिया पे भी देख लेते हैं एक बार। जो है रूपनगर, अभी का रूपनगर जो है उसको फॉर्मरली जो कहते थे वो रोपड़ कहते थे, ठीक है। और ये जो है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ही है पंजाब स्टेट का, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, उसकी बिगर साइट में से एक साइट है, बड़ी साइट में से एक बड़ी साइट है ये, ठीक है। और इसके 43 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट को चंडीगढ़ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ के पास में ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उसकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए ये यहाँ पे उसकी इमेज है। इसके बाद जो हम आर्कियोलॉजिकल साइट देखने वाले हैं वो है सरकोटदा।
सरकोटदा आर्कियोलॉजिकल साइट ये गुजरात के भुज में स्थित है। मैप पे आप देख लो, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे लोथल के बाजू में आपको सरकोटदा जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे लोथल है, ये है सरकोटदा, उसके ऊपर आपको ढोलावीरा भी दिखाई देगा, ठीक है। गुजरात का एरिया है भुज का, तो यहाँ पे आपको सरकोटदा दिखाई देगा, ठीक है, गुजरात में। 1964 में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी विशेषता अगर देखें तो घोड़े की हड्डियाँ और कब्रिस्तान यहाँ पे सरकोटदा इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें मिले हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम आर्कियोलॉजिकल साइट देखने वाले हैं वो है सुकतांगेदोर। सुकतांगेदोर इस हड़प्पा सभ्यता की आर्कियोलॉजिकल साइट को सबसे पहले हम मैप पे देख लेते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुतकांगेदोर, ठीक है, जो कि समुंदर के पास में है, पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान का एरिया जो है, सुतकांगेदोर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो समुंदर किनारे वाला ये एक उत्खनन स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये जो हड़प्पा सभ्यता की आर्कियोलॉजिकल साइट है ये दशक या द्रुट नदी के किनारे पे स्थित थी। इस आर्कियोलॉजिकल साइट की अगर विशेषताएं देखें तो यहाँ पे राख से भरा हुआ बर्तन मिला है, उसके साथ में यहाँ पे जो है वो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, और मिट्टी की चूड़िया और मिट्टी के बर्तन जो है वो भी मिले हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है जो कि समुंदर के किनारे बसी हुई थी। इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे जो उत्खनन हुआ है तो उसमें हमें पता चलता है कि यह सुतकांगेदोर जो है वो प्रारंभ में एक बंदरगाह था, ठीक है, एक बंदरगाह था, लेकिन बाद में तट के उठ जाने के बाद कारण क्या हुआ कि समुंदर से ये जो है शहर जो है नगरी जो थी ये कट गई। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे पहले जो है बंदरगाह स्थित था, पहले बंदरगाह था यहाँ पे, लेकिन समुंदर जो है वो बाद में यहाँ से कट गया है। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल साइट हम देखने वाले हैं वो है ढोलावीरा। ढोलावीरा इस आर्कियोलॉजिकल साइट को सबसे पहले हम मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ढोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है, उसके बाजू में सुरकोटदा है और देसलपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे है ढोलावीरा। ढोलावीरा ये गुजरात में स्थित है और 1990 में जेपी जोशी द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। जेपी जोशी ढोलावीरा की खोज करता है। ढोलावीरा की अगर विशेषताएं देखें तो यहाँ पे विशाल ऐसा एक जलाशय मिला है, और एक खासियत मतलब यहाँ पे अद्भुत जनसंचय प्रणाली जो है इस ढोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें दिखाई देती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी है कि जलसंचय प्रणाली सबसे अच्छी ढोलावीरा में हमें दिखाई देती है। ढोलावीरा में हमें एक साइन बोर्ड या सूचना फलक से मिलता जुलता एक अभिलेख मिला है, जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। तो 10 चिन्ह ऐसे दिखाई देते हैं, एक सूचना फलक जैसे अभिलेख जो है ये यहाँ पे ढोलावीरा में हमें मिला था, और ये हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ पे ढोलावीरा में हमें हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के प्रमाण जो है वो उत्खनन में यहाँ से मिले हैं, और साथ ही यहाँ पे हमें बड़े स्तर पर बलुआ पत्थर का मिट्टी के ईंटों के साथ में प्रयोग जो है ये ढोलावीरा में दिखाई देगा। तो ये थी कुछ ढोलावीरा की विशेषताएं। अब हम इसे गूगल पे एक बार सर्च करके देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये जो है ढोलावीरा जो है वो स्थित था। यहाँ पे कुछ उसके इमेजेस भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देखी। यहाँ पे आपको इस आर्कियोलॉजिकल साइट का ईस्ट गेट जो है यहाँ इस इमेज में दिखाई देगा। यहाँ पे नॉर्थ गेट है, ठीक है, इस इमेज में दिखाई देगा। जैसे कि हमने यहाँ अभी पढ़ा, एक साइन बोर्ड यहाँ पे मिला है ढोलावीरा में, जिसमें ऐसे 10 साइन जो है हड़प्पा लिपि के यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल साइट हम देखने वाले हैं, आखिरी वाली साइट है, ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में हिसार के पास में हमें ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है राखीगढ़ी ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैप पे इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए मैप पे राखीगढ़ी हमें यहाँ पे हरियाणा पे, हरियाणा इस राज्य में दिखाई देगा। राखीगढ़ी के आजू बाजू में आपको बनावली दिखेगा, यहाँ पे पश्चिम में आपको कालीबंगन दिखेगा, पूर्व में आपको आलमगीरपुर दिखेगा। ये जो है हिसार के बाजू में आता है, ठीक है, फतेहगढ़ के बाजू में। यहाँ पे राखीगढ़ी में 2 अतिरिक्त टीलों की खोज की गई है, जिसका क्षेत्र जो है वो 350 हेक्टेयर से भी ऊपर का क्षेत्र यहाँ पे है। तो इसके वजह से राखीगढ़ी जो है वो विश्व में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशालतम स्थल या विशालतम नगर जिसे कहा जाता है वो बनता है। उत्खनन में देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के जो अवशेष है ये इस राखीगढ़ी में मिले हैं। साथ ही इस आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें मिराना से
एक मोटा और मजबूत खंडित लाल बर्तन मिला है, जिसके साथ एक स्त्री की छिन्न मूर्ति मिली है, जिसकी मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की तांबे की मूर्ति के समान है। ठीक है, एक नृत्य करने वाली लड़की की तांबे की मूर्ति यहाँ से मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो के उस नृत्य करती लड़की के समान उसकी मूर्ति जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पे गूगल पे और कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी इमेज है। ठीक है, इमेज देखिए, यहाँ पे मैप है, यहाँ पे विकिपीडिया पे देखो आप कि हिसार डिस्ट्रिक्ट पे ये जो राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है स्थित है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में हिसार सिटी आपको दिखाई देगी, जो कि यहाँ से 57 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो काल बताया गया वो है 2600 टू 1900 BCE। ठीक है, और ये जो साइट है एक घग्गर और हाकरा रिवर प्लेन में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।